अस्सलाम और ये एक रेलिक कलर्स हैं, हम ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आपकी अपनी स्वाबदीद पे है, जो आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी उस पे है, चॉइस पे है। कलर की कोई कैद नहीं है, अगर आप ऑयल यूज करें या एक्रेलिक यूज करें। जी व्यूवर्स, सर ने इस पेंटिंग को कंपोज करना शुरू कर दिया, और वीडियो का वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था वो सिर्फ स्टूडेंट्स अपने थोड़े थोड़े सवाल पूछते थे और बाकी हम सिर्फ बातें कर रहे थे या ज़्यादातर स्टूडेंट खामोश थे। सो मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। सर एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैरिज एक्रेलिक पैथलो ब्लू सर ने और शेड चूज़ किया है इस बैकग्राउंड के लिए, और स्ट्रोक्स वर्क में सर काम कर रहे हैं। साथ साथ सर इसमें पानी शामिल कर रहे हैं, और लाइक 5-8% सर के हर स्ट्रोक में पानी शामिल होता है ताकि कलर अच्छे से ट्रैवल करे। तो गर्मियों में हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ये सर के पैनल में ज़रा सा कलर आया था, उसको सर ने शावर के साथ साफ़ कर दिया, शावर में पानी है, और सर साथ साथ इससे आगे सर ने दोबारा से पानी जो है वो अपने मतलब मुसलसल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि कलर जल्दी ड्राई ना हो। ये सर ने रेड, लाइट रेड और ब्रंट सीना को मिक्स करके एक नया शेड बनाया था, 50-50 की इनकी क्वान्टिटी थी, और इसको सर ने पैलेट में अप्लाई कर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ना ऑनलाइन क्लासेस हो पा रही थी और ना ही सर कोई कंटेंट अपलोड कर पा रहे थे। अभी अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये लास्ट क्लासेस जो हैं रमज़ान से पहले की थी, रमज़ान के दौरान फिर क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कंटेंट रेगुलरली अपलोड करें। अभी सर येलो ऑकर कलर अप्लाई कर रहे हैं, इसमें 85% सर ने पानी शामिल किया हुआ है। इसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो लाइक 85% थी। ब्लू कलर और ब्राउन कलर साथ साथ इसमें मिक्स होता जा रहा था, इसीलिए इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डर्टी हो रहा था। और येलो ऑकर ये शेड है। अभी सर इसको थोड़ा सा सर ने दोबारा से शावर किया और इसको कलर को ट्रैवल करा दिया, और अब सर ने टिशू से जो डार्क कलर था वो थोड़ा उठा के पैलेट को थोड़ा लाइट कर दिया पैनल को, ताकि यहाँ पर कैलीग्राफी अच्छे से हो सके। सर जब भी पैनल में इस तरह के कलर्स अप्लाई करते हैं तो इफेक्ट देने के लिए सर कैनवस की साइड चेंज कर देते हैं ताकि जो कलर है वो एक ही साइड पर ट्रैवल करके टेक्सचर ना बने। ये देखें अभी कलर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर सर इसकी साइड टर्न कर देंगे तो ये इफेक्ट्स जो हैं ये स्विच होते रहेंगे। इस तरह भी पेंटिंग ज़रा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, वो इजी टू मेक नहीं लगती, वरना तो वन साइडेड इफेक्ट हो तो आप एक ही तरफ बस पता है कि कलर अप्लाई करके चेंज किया साइड को और वो ख़त्म हो गया काम। बहुत ज़्यादा पानी स्प्रे करने की वजह से कलर यहाँ से हट गया था पैनल की एक साइड से, तो सर ने उसको दोबारा से हाईलाइट कर दिया। उसके बाद कलर जब सेमी ड्राई हो गया तो सर ने उसके ऊपर पानी का स्प्रे दोबारा से किया, और उसके बाद सर ने ब्रश के साथ जो बिल्कुल अपना ड्राई ब्रश था उसको फेरा, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा इफेक्ट बन गया साइड्स पे। ऊपर सर ने फिर ब्लैक कलर अप्लाई किया दोबारा से बिल्कुल लाइट सा, ताकि सर इसमें ब्लैक कलर से काम कर सके। अब सर अपनी पैलेट ड्रॉ कर रहे हैं, और पैलेट में सर कुफिक से अल्लाह लिख रहे हैं, ये सर ने डिज़ाइन किया हुआ है, और सर इसको ब्रश से लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं, आप इसको प्रॉपर कंपोज करके तो फिर इसको ट्रेस भी कर सकते हैं अपनी पैलेट पे। आप इसको पहले पेपर पे भी कंपोज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट चाहें तो अपने पैलेट पे भी लाइंस लगा के तो इसको कंपोज कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा स्लो ही रखा था ताकि आप इसका मेथड देख पाएँ। अब सर पैलेट में जो है वो नक्काशी कर रहे हैं, और नक्काशी के कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं सर। एक्रेलिक ब्लैक कलर ही सर यूज़ कर रहे हैं अभी तक, तो इसकी सर ने ज़रा ज़रा सी बस फिलिंग कर दी है, और अभी सर इसके ऊपर जो है वो डिटेल में दूसरे कलर्स ऐड करेंगे। और ये सर ने स्काई ब्लू और वाइट की मिक्सिंग के साथ, यानी लाइट एंड डार्क इफेक्ट्स के साथ सर बाहर जो है वो नकात लगा रहे हैं पैलेट के बाहर। इसमें सर ने कहीं पे वाइट कलर ज़्यादा रखा है, कहीं पे स्काई ब्लू कलर ज़्यादा रखा है,
और अब सर येलो ऑकर में वाइट डाल के तो हाईलाइट कर रहे हैं अपने पैलेट को, ताकि जो ब्लैक है वो थोड़ा सा ज़रा इनसाइड में चला जाए। और ये सर ने जो है वो इसके ऊपर अलहम शरीफ लिख रहे हैं और सर ने लाइंस कंपोज कर ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी कि सर जैसे लाइंस कंपोज करते हैं वो तरीका भी मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँ, क्योंकि इसमें मैं फिर समझा नहीं पाऊँगी आपको, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। यहाँ सर ने एक और सर्कल बनाया और एक्रेलिक ब्लैक को थिन करके बाहर की तरफ सर ने ब्लेंड कर दिया, ताकि सर्कल और पैलेट जो है सर की वो हाईलाइट हो जाए। तो ये सर ने बहुत थिन कलर यूज़ किया और इसमें सर ने हल्का हल्का सा ब्लू भी शामिल किया हुआ है इसको हाईलाइट करने के लिए। अब इस पैलेट में सर डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन का मेथड भी मैं सर के चैनल पे डिटेल में बनाऊंगी, और इसके अलावा भी इंशाल्लाह जो कुछ इस वीडियो में रह गया है लाइक हमें अपनी लाइंस कैसे कंपोज करनी है स्ट्रेट, वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। अभी सर एक्रेलिक वाइट के साथ अर्रहमान लिख रहे हैं और टाइटल सर दे रहे हैं, और सर हमेशा कहते हैं कि वाइट कलर जो है वो वॉल्यूम होता है पेंटिंग का, और हमेशा वो कम क्वांटिटी में होना चाहिए। इट्स लाइक गोल्ड, जैसे गोल्ड कम क्वांटिटी में होता है हमारे पास, वैसे ही वाइट भी हमारी पेंटिंग में बहुत कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि ये जहाँ जहाँ वाइट लाइट जाती रहती है वहाँ वहाँ से पेंटिंग जो है फिर वो डल पड़ती जाती है। तो जितना कम होगा उतनी ही खूबसूरत लगेगी आपकी पेंटिंग। अभी सर सुल्स में ख़ते सुल्स में अलहम शरीफ लिख रहे हैं इस पेंटिंग पर, और इसकी ज़रा वीडियो मैंने स्लो बनाई है ताकि आप सब देख सकें। सर ने ब्राउन मार्कर का इंतखाब किया है, परमानेंट मार्कर है, और इसमें सर ने रेड मार्कर में ब्लैक रीफिल डाली है, जो मार्कर की रीफिल इंक होती है वो डाली है सर ने इस मार्कर में, और इसको सर ने थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ है मार्कर को नॉर्मल कट से, उसी से सर लिख रहे हैं, और ये ख़त सुल्स में सर जो है कैलीग्राफी कर रहे हैं। 3 इंच ईच लाइन में गैप है सर ने रखा हुआ, और स्केल से सर ने बस लाइट लाइट सी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं ताकि सर देख सकें, बाद में ये लाइंस इजीली रिमूव हो जाएंगी या डिसअपियर हो जाएंगी। बहुत थिक पेंसिल से आपने लाइंस नहीं लगानी, या बहुत ज़्यादा दबा के भी आपने लाइंस नहीं लगानी। यहाँ पे सर से एक मिस्टेक हो गई थी, उसको सर ने बड़ी शानदार तरीके से कवर किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सर ने पहले इसके ऊपर वाइट कलर लगाया, देन सर ने इसके ऊपर ऑकर कलर अप्लाई किया। अगर सर डायरेक्टली ऑकर कलर लगाते तो ये कभी भी कवर ना होता, क्योंकि मार्कर परमानेंट मार्कर जो है वो नीचे से निकल आता है बार बार, तो इसीलिए सर ने पहले उस पर वाइट कलर लगाया और फिर सर ने उसके ऊपर ऑकर कलर लगाया, और वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से कवर हो गया माशाल्लाह। यहाँ पे सर की आयत कंप्लीट हो गई और सर ने आगे पैलेट में राइटिंग शुरू की। 2 स्क्रिप्ट मस्ट आपकी पेंटिंग में शामिल होनी चाहिए, जैसे सर ने पैलेट में कूफी भी लिखी और बाकी सर ने सुल्स लिखी, और अब दोबारा से सर इसमें कूफे ऐड करेंगे। ये सर ने डिज़ाइन के लिए एक और पैलेट बनाई, क्योंकि सरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन था। ये हेरिटेज टाइप पेंटिंग है, तो इसीलिए इस पेंटिंग में सर ने जो है सरफेस जो है वो काफ़ी कवर किया। ये एंटीक का बहुत खूबसूरत शेड है और इसे रस्ट टर्क्विश कहा जाता है। ये अगर आपको लाइक बना बनाया शेड चाहिए तो रस्ट टर्क्विश के नाम से ये मिलता है। अगर आप सबको कलर्स सेकेंडरी करने की सीरीज़ चाहिए तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं सर के चैनल पे ही वो सीरीज़ जो है स्टार्ट करूँगी। लाइक जो भी हमारे प्राइमरी कलर्स हैं उनसे हम सेकेंडरी कलर्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये इंशाल्लाह मैं तरीका आपको प्रॉपरली बताऊंगी। जो पर्ल सर ने पैलेट्स में बनाए थे, जो मोती बनाए थे सर ने, उसमें सेम शेड ऐड किया, लेकिन इसमें वाइट सर ने थोड़ा ज़्यादा रखा है। ये कंपोजिशन आप, ये पेंटिंग आप अपनी मर्ज़ी की कंपोजिशन में, अपनी मर्ज़ी की कलर स्कीम में, अपनी मर्ज़ी के साइज़ में और आयात में बना सकते हैं, और आप फिर बना के इसको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, आपका इस पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट मटेरियल से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि वीडियो शेयर ना करने का रीज़न सिर्फ यही था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।